मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर अलीगंज रोड स्थित झंडे वाली मिलक में एके हेल्थ केयर के नाम से एक बच्चों का अस्पताल कई वर्षों से बिना रजिस्ट्रेशन के घूस के सहारे चल रहा है। इस अवैध अस्पताल में यूनानी डॉक्टर उस्मान एलोपैथिक इंजेक्शन दवाओं से बच्चों का उपचार खुलेआम करता है। यह अस्पताल 3 मंजिला बना हुआ है जिसके भूतल पर बच्चों को भर्ती करने के लिए 10 बेडों की व्यवस्था है। प्रथम तल पर वेंटिलेटर, सीपैप, वार्मर, फोटोथेरेपी मौजूद है। दूसरी मंजिल पर फैमिली संग यूनानी डॉक्टर उस्मान रहता है। इस अवैध अस्पताल की शिकायत शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। उनका कहना है कि कई वर्षों से दलपतपुर अलीगंज सड़क किनारे ये अवैध अस्पताल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल को नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बेखौफ होकर नवजात शिशुओं और बच्चों का इंजेक्शन दवाओं का धड़ल्ले से सेवन करा रहा है। उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं मुंडा पांडे CHC के MOIC डॉक्टर अशरफ की भूमिका संदिग्ध है, जो उनके सर्किल में CMO दफ्तर के पंजीकरण के बिना ये AK हेल्थ की आड़ में बच्चों का बड़ा अस्पताल संचालित है। वहीं कार्यवाहक CMO डॉक्टर विश्राम सिंह ने इस अवैध अस्पताल के संचालित होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए शिकायतकर्ता को ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया है। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज मेरे द्वारा CMO ऑफिस में शिकायत की गई है, या तो कि थाना मुंडा पांडे अंतर्गत दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर झंडे वाली में डॉक्टर उस्मान, यूनानी डॉक्टर उस्मान है, जो कि फर्जी डॉक्टर है और एलोपैथिक में इलाज कर रहा है। बच्चों का अस्पताल खोले हुए है, AK पॉली हेल्थ केयर नाम से बच्चों का अस्पताल खोले हुए है, जिसमें 7 वार्मर हैं, 2 वेंटिलेटर हैं, 1 CPAP है, तो जिसमें बच्चों का इलाज करता है। और जो डॉक्टर अशरफ हैं CSC प्रभारी मुंडा पांडे, उनसे साठगांठ है, विगत 5 वर्षों से खोले हुए हैं, जिसमें कई हत्याएं भी हो चुकी हुई, कई बच्चों की हत्याएं हो गई हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इसका जो अस्पताल है शीघ्र से शीघ्र बंद किया जाए। हमें लगता है इसका CMO ऑफिस में भी इसका इसे संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए विगत 5 वर्षों से इसका अस्पताल खुलेआम चल रहा है और पूरी तरीके से अवैध है, फर्जी है, यूनानी डॉक्टर है, एलोपैथिक में इलाज कर रहा है और बच्चों जो नवजात बच्चे होते हैं उनको उनका इलाज कर रहा है, उन्हें अपने उसमें बारमर में रखता है, जिससे कि किसी किसी बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है।